नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। और आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर दोस्तों। और वहां पे दोस्तों लगातार अपसाइड मोमेंटम आ रही है, तो क्या हमें करना चाहिए? क्या ये नेक्स्ट मल्टीबैगर होगा कि नहीं दोस्तों? ऑलरेडी 2023 में ये स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है, क्या और भी तेजी बनेगी कि नहीं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और मॉर्गन स्टेनली ने क्या टारगेट दिए है उसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। और उनके सीईओ का क्या बताना है इस कंपनी के ऊपर उसके ऊपर भी बात करेंगे। जी एंटरटेनमेंट का कल बात किया था दोस्तों, आज कोई अपडेट नहीं आया है दोस्तों। सेबी ने बहुत ही बड़ा लफड़क मारा है, तो वहां पे थोड़ा सा सतर्क रह के दोस्तों कारोबार करना चाहिए। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस अभी भी रेंज में फंसा हुआ है दोस्तों, लंबा रेंज बाउंड मोमेंटम है, अभी भी तोड़ नहीं पाया है। नेटवर्क 18 और TV18 ब्रॉडकास्ट दोस्तों दोनों स्टॉक रेजिस्टेंस को टच करके वापस से नीचे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आज TV18 जो है वहां पे जो दोस्तों कल रेजिस्टेंस बात किया था वहीं से नीचे आने की शुरुआत कर दी है। पहले भी ये नीचे आ चुका है। और नेटवर्क 18 बताया था कि दोस्तों क्यों ये स्टॉक जब तक 66.20 का लेवल नहीं छोड़ता तब तक क्यों तेजी नहीं बन सके उसके ऊपर भी चर्चा की थी। बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक, और हमारे सामने वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि पिछली बार जब हमने वीडियो बनाया था तब एक बड़ा रेजिस्टेंस जो था उसका ब्रेकआउट हमें मिला था 69.43, जो रेजिस्टेंस है दोस्तों 70 का। और उसके बाद हमें 2 वीक में कंटिन्यूस अच्छी तेजी देखने को मिली है। अब भी RSI जो है वो ओवरबोर्ड जोन में है, 76.83 है। जब भी ओवरबोर्ड जोन में जाता है तो एक बड़ा कैंडल रेड बनने की संभावनाएं बन सकती है। क्या यहाँ से गिरावट आएगी कि नहीं उसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो 81 के आसपास की रेंज आ रही है दोस्तों, 80 से लेके 83 का रेंज जो एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। और लाइफ टाइम हाई को वो दोबारा टच करने की कोशिश कर सकता है। क्या होगा उसका पूरा एनालिसिस दोस्तों इस वीडियो के अंदर करने वाले। डेली बार के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। और ये जो स्टॉक है दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक, जहां पे मैंने बहुत टाइम पहले वीडियो बनाया और कंटिन्यूसली आपको बताया गया था कि वैल्यूएबल अनलॉकिंग होगी और IDFC फर्स्ट बैंक आपको नजर में रखना चाहिए, बहुत बड़ा होने वाला है ऐसा सीईओ ने भी बयान दिया था। और 33 रुपये से ये स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है, क्योंकि अभी ये स्टॉक का जो प्राइस आ रहा है वो IDFC फर्स्ट बैंक का 76.65, 2.47 का अपसाइड है, 1.85% का मोमेंटम है। पिछले एक मंथ के अंदर 14.83% का रिटर्न, और 6 मंथ के अंदर 22%, और 1 साल के अंदर 134% का रिटर्न दे चुका है दोस्तों। क्या यहाँ पे और भी तेजी बनेगी कि नहीं वो बड़ा क्वेश्चन मार्क बन सकता है इन्वेस्टर के दिमाग के अंदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे IDFC फर्स्ट बैंक के जो सीईओ है वी वैद्यनाथन जी, उन्होंने बोला था कि गिव इट 5 to 8 ईयर्स। कब बोला है दोस्तों? 13 मार्च 2023। अगर बात की जाए 13 मार्च 2023 यानी कि पिछले 6 मंथ, यहाँ पे आप देखेंगे मार्च तब 54 का प्राइस था और फिर वहां से एक अच्छी रैली बनी है दोस्तों। अगर आप 5 से 8 साल अगर यहाँ पे टिके रहते हैं तो क्या हो सकता है, क्या इस कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर चेंज आ सकता है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे IDFC फर्स्ट बैंक जो है जिसका मार्केट कैप है 50,816 करोड़ का, स्टॉक का पीई है 20.4 का, बुक वैल्यू है 33.9, बुक वैल्यू से काफी ऊपर चल रहा है। ROCE है 7.47, ROE 11.8, फेस वैल्यू 10 का है। डेप्ट है 1,58,502 करोड़ का है, डेप्ट टू इक्विटी 7.52 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.8% है। EPS जो है 3.75 का है, इंडस्ट्री का PE 14.2 है और रिटर्न ओवर 1 ईयर 133% है। अब दोस्तों पीयर कंपैरिजन में आपको आइडिया आएगा कि स्टॉक का पी कितना है। तो IDFC फर्स्ट बैंक का पी है 20.45, स्मॉल फाइनेंस बैंक 36.09, वहां से सस्ता है, IDBI बैंक 15.70, इंडसइंड बैंक 13.90, एक्सिस बैंक 13.05, कोटक बैंक 24.81, ICICI बैंक 19.30, HDFC बैंक 19.45। तो काफी सस्ता स्टॉक है दोस्तों, इतना कुछ महंगा नहीं है कि ओवर दोस्तों आपको लिख लें। क्वार्टरली रिजल्ट दोस्तों, जब भी दोस्तों क्वाइट पॉजिटिव क्रेडिट साइकिल की बात की थी बहुत टाइम पहले दोस्तों, और मैं भी लगातार आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे रेवेन्यू में कंटिन्यूस ग्रोथ आ रहा है दोस्तों। क्वार्टर टू क्वार्टर हर क्वार्टर में ग्रोथ आपको देखने को मिला है, इंटरेस्ट में ग्रोथ मिला है, फाइनेंसिंग मार्जिन भी स्टेबिलिटी दिखा रही है। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है एवरी क्वार्टर दोस्तों, एवरी क्वार्टर आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ कर रहा है। और उसी की वजह से
स्टॉक के प्राइस में भी अपसाइड हमें दिख रही है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर नजर डाले तो मार्च 2022 में 16,000 का लेवल था, उसी को तोड़ दिया रेवेन्यू को 17,173 और इस साल 22,172 है दोस्तों। और कंपनी कंटिन्यूस एक्सपांशन कर रही है, इंटरेस्ट भी काफी अच्छा है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट मार्जिन -5%, अदर इनकम 4467 है, 2485 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिया है कंपनी ने, 3.75 ईपीएस है दोस्तों। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नजर डाली जाए तो दोस्तों मार्च 2023 में 39.99% का होल्डिंग है प्रमोटर ने दोस्तों। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था 2 वीक पहले कि प्रमोटर ने जम के खरीदारी की है। एफआईआई की होल्डिंग है 19.31, डीआईआई की होल्डिंग है 7.699% है और गवर्नमेंट की होल्डिंग है 3.98, पब्लिक के पास होल्डिंग है 29.05% की होल्डिंग है। अब हम दोस्तों मॉर्गन स्टेनली ने क्या टारगेट दिया है, तो दोस्तों मॉर्गन स्टेनली का बोलना है उन्होंने मेंटेन किया इक्वल वेट और टारगेट ऑफ ₹80 का दिया है, और दोस्तों ये दिया था उन्होंने 9 जून को। बहुत ही जल्दी दोस्तों हमें ये दिख रहा है कि ₹80 का टारगेट दिख रहा है। अब हम दोस्तों डेली चार्ट के ऊपर आ गए, हमने डिस्कस किया था 70 का लेवल काफी अहम है और दूसरा जो लेवल है हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है 81 का, अभी 76 का चल रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे इस लेवल को तोड़ा था हमने वीडियो बनाया था और उसके बाद उसको रिटेस्ट किया, बेटर अपॉर्चुनिटी थी और फिर वहां से हमें अच्छे रिकवरी ऊपर की तरफ मिल चुकी है। बट यहाँ पे आरएसआई दोस्तों ओवरबोट जोन में दोबारा गया, फिर एक करेक्शन आया, फिर ओवरबोट जोन में पहुंचा, फिर दोस्तों थोड़ा सा नीचे आया ओवरबोट जोन से, फिर वापस से ऊपर गया है। आज भी वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही है दोस्तों, और एवरी डे आप देखेंगे पॉजिटिव कैंडल दिखा रहा है। जब तक दोस्तों पॉजिटिव कैंडल आता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहना चाहिए, और 80 से लेके 83 का रेंज एक बड़ा दोस्तों रेजिस्टेंस लेवल है। बेस्ट वैल्यू बाइंग कब रहेगी, तो अभी आपको दोस्तों पता है मैंने पिछले कुछ वीडियो से काफी आपको लगातार बता रहा हूँ कि 100 के लेवल यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं बहुत जल्द। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 70 का जो रेंज, अगर कोई गिरावट में 70 के आसपास का लेवल आता है तो वो एक अच्छा वैल्यू बाइंग अब आपके लिए बन सकता है, क्योंकि काफी लोग इन्वेस्टर के दिमाग में है कि जो रैली है पूरी मिस हो चुके, मौका देगा मार्केट आपको और जरूर से 70 का लेवल आए तब आप उसको ऐड कर सकते। जैसे मैं पहले 45 का लेवल मिला था, फिर 65 का लेवल मिला था, अब 70 का लेवल है दोस्तों, तो यहाँ पे आप एक मौका बना सकते हैं, जब आए तब उसको लपक लेना चाहिए, क्योंकि जब गिरावट आएगी आरएसआई भी दोस्तों ओवरबोट जोन में, तो फिर वहां से नीचे आएगा तो फिर एक मौका बन सकता है आपके लिए। और ये स्टॉक में जब 83 का लेवल के ऊपर दोस्तों क्लोज देखा, फिर उसके बाद 100 के लेवल हमें आने वाले टाइम में दिख सकते हैं, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर आपका नजर रखना जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर में दोस्तों आने वाले 5 से 1 साल में सीईओ ने बोला है कि बहुत ही बढ़िया हो सकता है, तो आपको जरूर से इस स्टॉक के ऊपर आपका नजर पैनी नजर डालनी होगी। क्या ये स्टॉक मल्टीबैगर होगा कि नहीं, आप कन्विंस है क्या, तो आप कमेंट करके मुझे यस आंसर दे सकते हैं दोस्तों। ये मेरे सारे पर्सनल व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इन्वेस्ट करना हो या ट्रेड करना हो तो आप दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके यहाँ पे ट्रेड और इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल को। एंड एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन करना हो तो फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।